भी हो सकता है। तो उसके बाद उन लोगों का ऐसा रहता है कि पता है क्या, मावी और दूसरा बंदा हम लोग का जो शेर है, आज से उसको हम शेर बोलेंगे गाइस। उसको हमारे अभी अपन जो भी तुम स्पैम करते हो ना, वो सेलिब्रिटी का नाम वो सब नहीं, हम लोग के कम्युनिटी का शेर है, तो वो फाड़ डालता है, समझा सबको। पर वो फाड़ नहीं पा रहा है, एमबीपी नहीं बन पा रहा, वो सब अलग बात है। मतलब उसको चाइनीज प्लेयर्स को देखने गए, उसको सब देखने गए, पर वो बेचारा कभी एमबीपी नहीं बन पाता, वो अलग सब बीटी है। मेरे को लिटरली लिटरली लाइबिलिटी है वो उसकी टीम का, ठीक है, लिटरली लाइबिलिटी है। कब लास्ट टाइम भाई हमारे शेर ने 10 किल मारे थे भाई? कब भाई? उसको भैया को हमारे ऑर्क चलाने का है, भैया को पैसे भी नहीं देने के, भैया एक डिवाइस देके गिना रहे। भैया क्या गिना रहे? हाथ से खाना खिलाता था, खाना खिलाता था भाई वो मेरे को बहुत बुरा भाई। लगा था। मतलब गिर वो गया बंदा मैंने जो ऐसा बोला है ना, वो बंदा ऐसा है ना गाइस, ठीक है, कि कोई बंदा अगर मर रहा रहेगा ना, तो उसको पानी पिलाएगा ना, उसके बाद वो बंदा जब जिंदा हो जाएगा और उसके अगेंस्ट बोलेगा ना, वो बोलेगा तेरे को मरते टाइम मैंने पानी भी पिलाया था। मतलब वो इतना क्या बोलेगा, वो हमको छपरी बोलते हैं भाई, वो चीप है, ठीक है, उसके ईगो पे बात है ना, वो चीप है, समझा? क्यों बंदे को ऐसा है भाई कि मैंने खिला? अबे चुती है, तू मत खिला तो खाना तू गिना रहे भाई, खाना बूट गिना कैंप रहा वाले अभी चुती है। बंदे बुट तेरे को। तो लौड़े, तू लोगों को बुट कैंप बुला रहे तेरे, इधर हमको क्वारंटाइन खाना खिलाता, तो हमको ऐसा बोलता है कि मैं तुम लोगों को खाना खिलाता। चूतिया, भाई इतना गंदा कैसे बोल सकता है इतना कोई मतलब मैं बूट खाना कैंप वाले खिलाया, बंदे मैं डिवाइस, अबे तो चूतिया तू डिवाइस नहीं देगा और खोल के रखा है जब गांड में। मतलब किसने तो साफ कर स्टोरी डाला था दिया एक बार, फटे तो बटे नवा भी ना घटे, इसका भी सेम सीन है, गांड फटे तो फटे नवा भी ना घटे वाला सीन है। मतलब तू एक और चला नहीं पा रहा, पर तू और खोलेगा। अबे सुन भाई, तू ये पूरे ऑडियंस को चूतिया बना सकता है तेरे पैसों को लेके, इनकम को लेके, पर तू जितना कमाता है ना ब्रो, तो लिटरली उसका 5% इन लोग दोनों को सैलरी तेरे को देना था, वो भी खुद के जेब से नहीं, वो भी कौन देते वो हमको भी पता है सैलरी, तू खुद के जेब से भी नहीं देता, पर पब्लिक को तू चुतिया बना रही है बोल के कि मैं खुद के जेब से देता। ये तो गाइज इसका रियलिटी है। और इसने मेरे को क्या बोला था एक बार, हाँ मेरे को एक बार बात याद है, उसने मेरे को क्या बोला था कि फर्स्ट PMCO जब हुआ था, जब मैं वर्बी में था, मैं उसके पास सेल्फी लेने गया था भाई, भाई ने हमारे ऐसे बोले थे, जबकि भाई को जाके पूछो तू किसके रूम में आके फोटो निकाल रहा था, हाँ सामने से होके वो खुद मेरे से होके आके बात किया भाई ने। उसके बाद जब ओआरबी हो गया ना, जब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेरा आया, भाई ने उसके बाद जाके पूछा भी था मेरे को कि IND में आएगा क्या, नसीब में वो टाइम पे नहीं गया। मैंने क्या बोला, मैं घातक के साथ स्टिक करेगा। भाई ने घातक को बोला था कि मेरे को नियो चाहिए, मैं IND में लेगा, पूछना भाई को कभी अपने। और कोई तो आए थे ऐसा एक चेहरे जंगल का, आके पूछ रहा था गाइस हमको कि भाई है क्या टीम विम में स्लॉट, भाई ले लो भाई, जरा नहीं हो रहा इधर, लौड़े लगे पड़े, नसीब उसको नहीं लिए, समझा? टीम टूट जाती है, मैंने तभी घातक को बोला था भाई टीम टूट जाएगा, पर ये सब चीज़ें हम लोग बोलते नहीं है। और वो जो बोलता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल, अबे भाई तेरे से नेशनली नहीं खेला जा रहा, नेशनल छोड़, तेरे से स्काई स्पोर्ट्स से नहीं खेला जा रहा चुतिया। तू बस M249 नहीं लेगा, 6x लगाएगा, फ्लेक्स करेगा, मिनी ऑटो मारेगा, हो गया। T2 कस्टम में तू दुनिया भर के बंदे मारेगा, तेरे अंधबक लोग चालू हो जाएंगे, स्काउट इज बैक, स्काउट इज 2019 का स्काउट है यार, तू 2019 का कि तू 2018 का, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता भाई तेरे से, तेरे तू कितना टॉक्सिक हो सकता है ना ब्रो, मैं उससे डबल टॉक्सिक हो सकता, तेरे को भी ये चीज़ पता। और क्या मैं कौन सा, क्या मैं तेरे से रियल लाइफ में कभी बात नहीं करता? पूछना भाई को फिर, स्काई स्पोर्ट्स का जब सेरेमनी था कौन सामने से आके बात किया था, मैं गया था कि हुआ आया था, वो हमेशा ऐसे ऐसे अटैक करता है ना, पर्सनल अटैक, उसको पूछना फिर कौन आके सामने से होकर बात किया था, जब मैं बैठा था कोने में कौन सामने से चल गया था और पूछा था और कैसा है। हाँ ये सब नहीं बताएगा ऑन स्ट्रीम वो हम लोग के, जब इंस्टा पे चैट होने के कौन बोलने का कि आ जा मिलने, बाहर जाते घूमने, कौन बोलने का? नहीं, पर अपने तो 1,04,000,000 ऑडियंस के, हमने अपने को कूल बनने गए ना गाइस, अपना ये वाला सीन है, कूल बनेंगे, आएंगे, गांड तो फटी है पर हंसेंगे, कृष्णा के गाने बजाएंगे, भाई अलग ही सीन है इसका। अरे बोलो भाई उसको, तू ट्रॉफी छोड़ पहले, तू ये जो भी टूर्नामेंट हो रहा है ना थर्ड पार्टी, उसमें 1 मिनट टॉप फ्रेगर आ जा, मैं खुद दिल से खुश हो जाएगा भाई, 1 मिनट टॉप फ्रेगर आ जा भाई, फिर धीरे धीरे करके कुछ होगा, पहले उधर टॉप फ्रेगर, फिर नेशनल में टॉप फ्रेगर, कब तक ये, मतलब जब तू रिटायरमेंट ले लेगा, कोई तेरे को तेरे अचीवमेंट पूछेगा तो बताना चाहिए ना कुछ तो ना, तू ये थोड़ी बताएगा कि मैंने इतने करोड़ रुपए कमाए, वो तेरे को पूछेगा तू स्पोर्ट्स प्लेयर है, तूने स्पोर्ट्स में क्या उगाड़ा है, तो तेरे पास भी कुछ अचीवमेंट्स होने चाहिए ना, तेरे को चाहिए तो मैं तेरे मेरे आधे अचीवमेंट्स तेरे को दे देता, आधे में रख लेता, तो भी तू बता पाएगा कुछ? मतलब उसमें पता नहीं गाइस किस बात का एटीट्यूड है, वो खुद अपना जो टीम है उसको वो चला नहीं पा रहा, उसके बाद वो हमको ब्लेम कर रहा है। और जो भी वो जर्सी वर्सी का है ना, तो वो जाके तुम SATL को फॉलो करते हो, तुम सीड को फॉलो करते हो, ठीक है, ये ट्रैश टॉक का हमको इतना पता भी नहीं था, ये हम लोग में लिटरली बोलते हैं ये सब हमको सेड ने वो टाइम पे बताया, ट्रैश टॉक करके चीज़ें होता है, ये स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, पर इंडिया की ऑडियंस इतनी मेच्योर नहीं है ये सब ट्रैश टॉक झेलने के लिए,
बाहर का क्या करे, जीटू ने क्या लिखा था? हाँ जीटू ने, जीटू अभी तुमको पता है कि नहीं, अभी तुम जीटू को गांडू घंटू नहीं बोल दो, जीटू करके एक और के बहुत बड़ी और के, ठीक है, उसमें कैप्स करके एक बंदा खेलता है एलओएल में, जिसने अभी कौन है उसको, कौन था रे वो, रेकलेस को साइन किया था उन लोग ने, ठीक है, तो भाई वो और वैलोरेंट का रोस्टर था ना, वैलोरेंट का ना, उन लोग ने एक प्लेन में जब पीछे ऐसा फ्लैग जैसा रहता ना उस पर अपन कुछ लिख सकते, उसमें उन लोग ने फक सेंटिनेंस लिखा था, उतनी बड़ी और ग्लोबल लेवल कॉम्पिटिशन। और इधर जिसको तुम फॉलो करते हो उसको बस ये पता है कि ग्लोबल में बस चाइनीज टीम है, बस उसको पबजी का पता है चाइनीज टीम है। अभी वो कह रहा है ना अपना एफपीपी कौन सा स्काउट इन्विटेशनल, वो कितने टाइम से बोल रहा है, कितने टाइम से वो बोल रहा है एफपीपी एफपीपी, उस हिसाब से तो पूरा प्रिपेयर रहेगा, उसको ही जितना अच्छी वो टूर्नामेंट। हाँ क्या अभी ब्रेक ले लेगा क्या वो दो महीने का, अभी वो बोल रहा है स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तू कब तक अपने ऑडियंस को चूतिया बनाएगा रे, ये फेक होप दे देगा गाइस, वो कुछ नहीं, वो फेक होप देता है बस कि स्टार्ट ऑफ एन एरा, स्टार्ट ऑफ एन एरा। भाई कितना साल हो गया, कितना साल लिटरली, कब 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 स्टार्ट होएगा, तू तो ब्रो हम लोग का कॉम्पिटिशन है भी नहीं लिटरली गाइस, वो हमारा कॉम्पिटिशन है भी नहीं, ठीक है, हम लोग को सामने से ओके गिल था, गिल को टीम छोड़ने का था, मैंने बोला हमारी टीम में आ जा, मैंने उसको अप्रोच नहीं किया, वो ऑलरेडी टीम में था और मैं उसको मैनिपुलेट किया, ऐसा हमको जमता नहीं भाई, ठीक है, और मैनिपुलेट करना तो तू सिखा ही मत स्काउट अपने स्ट्रीम पे, तू कैसा मैनिपुलेट करता है ना पब्लिक को और प्लेयर्स को और कैसे भड़काता है ना, तुमको अभी पूरा डिटेलिंग में बताता, ठीक है भाई, अपने थे फनेटिक में, ठीक है, इसको आने का था TSM, सुबह के 5:30 बजे ये कॉल करता है इसको, क्या नाम है, क्या ये, अरे मत भाई मत मत भाई, सुबह के साढ़े, अभी स्टोरी बताता है, ठीक है भाई, अपना बहुत स्टोरी बताता है ना, एक जंगल में शेर था, अभी वो शेर गया मेरे लौड़े पे, पहली बात समझ, ठीक है, देख तेरा पब्लिक तुमको कहा था क्या, बोला पब्लिक इससे इसलिए डरता है, हम नहीं डरते पब्लिक, बाकी जो भी कम्युनिटी इसलिए डरता है कि उसके पास नंबर है, इसकी ऑडियंस बहुत हेट देती है, पर तुमको पता है कम्युनिटी के अंडर, कम्युनिटी के अंदर है ना इसको लंड रिस्पेक्ट नहीं है, पहली बात, अगर लोग इसके साथ खेलते भी ना, क्योंकि इसके पास मिलियंस, भाई इसके पास मिलियंस से फॉलोअर्स नहीं रहते ना, इसको लंड कोई पूछता भी नहीं, समझा, इसके मिलियंस में लंड इसको कोई भाव भी नहीं डालता, ठीक है, इसको भगवान और खुद के मेहनत कराए करके ये 4 मिलियन पे ना, उसका ना बहुत उसको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, वरना इसका जो एटीट्यूड है ना, ये अगर मैं 400K पे रह के ऐसा एटीट्यूड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट्स है, इसके पास अचीवमेंट भी नहीं, एटीट्यूड दिखा उसको लंड पे बिठाते थे, कम्युनिटी में लंड उसको रिस्पेक्ट नहीं है, पहली बार समझा। और जब तू ब्रो फनेटिक में था ना, मेरे को अभी तक याद है, सुबह के 5:30 बजे कॉल करता है क्लच गॉड को, क्लच गॉड हमको बताया, क्लच गॉड को कॉल करके क्या बोलता है कि नियो को टीम से निकाल देंगे, अपन टीम बनाते हैं, ठीक है, मेरे को कॉल करके क्या बोलता है, उसके एक दो दिन बाद मेरे को कॉल करके क्या बोलता है, घातक को टीम से निकाल देंगे, अपन टीम बनाते हैं, क्लच गॉड आईजीलिंग करेगा, जॉनी को बोलता है कि क्लच गॉड तो अभी अभी आया, अपन टीम बना लेते हैं, घातक और नियो का सिनर्जी पहले से अपन पे छूती है, तू बोलता है बातों पे टिक जा, अबे तेरे को फैमिली फैमिली तू बोलता है लवड़े, तू बोलता है फैमिली फैमिली, कब तक, अबे भाई कौन सी टीम इंटरनेशनल में #2 आने के बाद टीम तोड़ती भाई, कौन सी, पैसे के लिए तो गया था, पैसे के लिए तो गया था ना, हाँ किस लिए गया था, पैसे के लिए ना, अब जब पैसा भरपूर कमा रहे तो दे, जिसको टीम में लिया उनको दे पैसा भाई, टीम चलानी भी है, मतलब हगना भी है, पैंट भी नहीं खोलना वाला सीन है, हाँ पैंट में ही हग दे फिर, और ऐसे भी हग ही रहा है तू ऑडियंस के सामने आके पैंट में अपने, बस वो है कि उनको पता नहीं कि तूने पैंट पहना है कि नहीं, हग तो तू ऐसे भी रहा है, मतलब तेरे को तभी नहीं दिखा, अभी तो ज्ञान चोदता है कि टीम एंड ऑल, क्या फैमिली पहले, फैमिली किधर था लवड़े तेरा, फैमिली जब तू इन लोगों को छोड़ के गया था वीरू और गिल को, हाँ तभी किधर था तेरा फैमिली, तब तो गया ना बराबर पैसे के लिए, हाँ बहुत पैसा कमाया गया सोल में जाके, बहुत फेम कमाया रहेगा, बहुत पैसा कमाया रहेगा, फिर एक टाइम बाद जब तेरे को पता चल गया ये लाइनअप में तो कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर नहीं है, छोड़ दी वो लाइनअप तूने, और इधर आया, इधर तेरे पास जब देने को कुछ नहीं था प्लेयर्स को, तो तेरे पास एक चीज था देने को, क्या कि सेंटिमेंट्स देता है इन लोग को कि अपन फैमिली है, क्यों, क्योंकि तेरे पास उनके बेसिक नीड कंप्लीट करने के तो वो नहीं थे, इसने क्या किया, इसने सेंटिमेंट दिया ना कि अपन फैमिली है, अपन ये अपन वो, और जब भी लोग छोड़ के तू इंडिया के ऑडियंस को चूतिया समझ के रखा है, तो चूतिया में निकालता है कि भाई फैमिली फैमिली सेंटिमेंट्स, भाई देखो पहली बात इंडिया की ऑडियंस है, इंडिया की पब्लिक है इमोशनल, ठीक है, इंडिया की पब्लिक है इमोशनल, दूसरी बात है हम लोग एथलीट्स है, मेहनत करते रहेंगे जिंदगी भर, मेहनत करते रहेंगे, जो चाहे जितना भी चाहे, देखो बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें बीच में आने वाली है, पर ये क्रॉन्टन मतलब इतना खर्चा कर रहा है भैंचो, 50-60 लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहा है, बूट कैंप पे नहीं बोला तो 4-5 करोड़ रुपए उसने खर्चा कर दिया भाई,
वो बंदा भी मेहनत कर रहा है ना, और उसमें अगर ऐसी सारी चीजें आ जाती है तो मतलब यार देखो, मेंटल, मैं क्या बोलता हूँ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोगों ने एक फन वे में ट्रॉल किया और बंदों को समझ में भी आती है, कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आती है, बट स्टिल आई डोंट नो कि ऐसा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। मतलब अरे इतना इतना गिरोगे, इतना गिरोगे, ये हद तक गिरोगे, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों गिरते इतना बंदे। अरे चैट भी पढ़ते हैं यार। अरे गोविंदा भाई नहीं चाहिए तुम्हारा रिस्पेक्ट यादव भाई, चैट डिलीट कर दो, निकल जाओ यहाँ से पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं भाई। यहाँ तक भाई दिल स्कूल कर दिया, मेरे मन का भड़ास निकल दिया, बहुत पैसे पैसे करते इज्जत दो कौड़ी की नहीं। अरे बिल्कुल नहीं है इज्जत भाई इनको कम्युनिटी में, मैं बोलता हूँ भाई इनको क्या मालूम है, क्या लोग इनको नहीं डरते। ये क्या होता है, इनके जो चूतिया हेटर्स है ना, माँ पे गाली देंगे, बेटे पे गाली देंगे, बहन पे गाली देंगे, गर्लफ्रेंड पे गाली देंगे, और ये चूते को ये भी नहीं पता। अभी मुझे एक बात बताओ, एक टूर्नामेंट हार गया, अभी लोगों ने काश को टारगेट किया वो टाइम पे, हम लोगों को भी गलत लगा यार, हम लोगों की बंदा लगा वो टाइम पे कि कैसी चूतिया ऑडियंस है, और ये बंदा ऐसा मतलब पीएमजी से हारने के बाद हमको ये कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो भाई हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे। हम लोग, मैं बोलता हूँ, बैकग्राउंड में भी इसके बारे में अच्छा ही सोचते, और ये बीच में वाला जो टाइम हुआ था ना जॉनी के साथ, जो कॉन्ट्रोवर्सी होता उसका, उसके बाद भी इसके साथ अच्छा रिलेशन था, कॉल भी करते थे, सारी चीजें करते थे। भाई बस हो गया, अभी बस हो गया, यू आर कट ब्रो, और यू आर, अभी तेरा है ना रॉकेट उल्टा जाए, देख बस अभी बेटा। एक डाउट भाई, वीरू को आंसर बोलने के लिए बोलो ना, बोलेगा वो, वीरू बैठेगा, मैं निकल रहा हूँ अभी। स्काउट इज एमवीपी इन रणधीर रोना, ऑब्वियसली ब्रो, वो पहले से मैं बोल रहा हूँ, हर चीज में जाके देखो, वो सिर्फ रणधीर रोना करता है, सिर्फ रणधीर रोना, सिर्फ। कैसे किसी से तो अपने कंटेंट क्रिएटर लॉल अच्छा खेलता है। अरे ये क्या हो गया, नॉट इनफ मेमोरी ओपन डिस्पेच, किधर करो रिलोड, ये रहा बंद हो गया स्ट्रीम, मतलब चालू है ना गाइस, रुको, दो मिनट। अरे 1 लाख पावर कर दिया ना पहले ही दिन, बॉट लेग की पावर इतनी है क्या, खतरनाक। गाइस सब्सक्राइब कर दो, गाइस सब्सक्राइब कर देना, लगे हाथ, मेरे को चैट पढ़ने दे रहा थोड़ा मिनट, कुछ तो भी अच्छा चैट था उसने, लॉल्स अच्छा खेलता है, स्पोर्ट्स प्लेयर, एग्जैक्टली यार, अंतरिक्ष राणा भाई, एग्जैक्टली। All the best for your future, Viru. Come with hate, but living with love. Always wondered why you were streaming to support yourself. Ghatak, I really thank you for doing this for Viru. Please let him stream. अरे भाई सब चीजें करेंगे, मैं बोलता हूँ ना, ये बंदों को इतना खुश रखेंगे ना, ये फैमिली का ढोंग नहीं करते यहाँ पे। फैमिली को अगर ढोंग करने का रहता ना, फैमिली का अगर ढोंग करने का रहता ना, तो बंदे ये बंदे छोड़ के चले जाते भाई, मेरे को ये बंदे छोड़ के चले जाते कैसे, 3-4 साल से मेरी बोली एक तो ऐसी है पहली चीज, तभी भी ये मैं गालियां देता हूँ इनको दुनिया भर की, पर इनको पता है कि जो गालियां देता कर घातक जो बोलता है ना, वो अच्छे के लिए बोलता है उनके, ठीक है, उनको भी वो चीज पता है। जॉनी को इस सबसे दूर ही रखना, हमारा टॉप रैंकर को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसको कोई उंगली करेगा तो भाई उसका हाथ गायब हो जाएगा, सिंपल है। लव फ्रॉम, अरे भाई प्योर एनर्जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, मेरे को आज खुल के बोलता हूँ भाई, मेरे को सोल में माफिया मॉर्टल और 3-4 लोग है, केतन और एक 2-3 लोग है, वो छोड़ के मेरे को चाट की, इसको मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं है, जो है भाई सिर्फ अपना ये बेटा, यहाँ पे भी बहुत है। सोच भी नहीं सकते तुम लोग, ठीक है, ऐसा है, ये 4-5 लोग है भाई, बहुत रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट है और जिंदगी भर रहेगी, 4-5 लोग है बस, ठीक है, 4-5 लोग है बस, और वो बंद कुछ उनको भी भाई अभी क्या बोलूंगे।